पूरा देश आज महात्मा गांधी की जयंती मना रहा है। राष्ट्रपिता की 150वीं जयंती पर देश की राजधानी से लेकर अलग अलग राज्यों तक गांधी जयंती को लेकर काफी उत्साह देखा जा रहा है। लेकिन इस बीच खास पहलू ये है कि आज के दिन बीजेपी से लेकर कांग्रेस तक हर कोई गांधी के रंग में रंग गया और राजनीतिक दलों के इस गांधी प्रेम ने एक नई बहस छेड़ दी। बहस ये है कि आखिर किसके हैं बापू। गांधी जयंती पर देश भर में अलग अलग कार्यक्रम आयोजित किए गए। सीएम कमलनाथ और भूपेश बघेल की अगुवाई में पदयात्रा निकाली गई। देश भर में बीजेपी भी गांधी संकल्प यात्रा निकाल रही है। पीएम की अगुवाई में बापू के सपने साकार करने का संकल्प लिया गया। उत्तर प्रदेश और छत्तीसगढ़ में विधानसभा का विशेष सत्र बुलाया गया। विशेष सत्र में महात्मा गांधी के व्यक्तित्व पर मंथन हो रहा है। मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में कई योजनाओं का आगाज भी हुआ। ये समय आ जाया, अपना देश हो, विभिन्न देश हो, पूरे विश्व में देखिए आज क्या हालात है। उन हालात को देख के आज सबसे बड़ी आवश्यकता पूरे देश को और भारत को महात्मा गांधी जी की दिशा और दृष्टिकोण से। गांधी जी के जो सपने थे भारत वर्ष को लेकर के, वो इस जयंती वर्ष में सारे स्वप्न पूरे होने चाहिए। देश में स्वदेशी जागरण हो और हमारा देश स्वच्छ रहे, साफ सुथरा रहे और हम गरीबों के हितों की चिंता करें और हम अपने देश की ताकत को समझें कि मोदी जी ने महात्मा गांधी जी के संदेश के लिए पूरे भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को प्रेरित किया है। यूं तो लंबे समय से कांग्रेस ही गांधी पर अपना दावा करती आई है, लेकिन इस बार बीजेपी इस रेस में पीछे नजर नहीं आ रही। तस्वीर कुछ ये हो गई है कि गांधी का नाम एक तरह से राजनीतिक संघर्ष की वजह भी बन गया है और इस राजनीतिक संघर्ष में कौन किस पर भारी पड़ता है, ये देखने वाली बात होगी। ब्यूरो रिपोर्ट। आज गांधी जयंती है और बापू को दुनिया भर में याद किया जा रहा है। देश भर की बात मैं इसलिए नहीं करूंगा कि बापू की जो सपना है, बापू की जो बातें हैं, वो दुनिया भर में याद की जाती है, अकेले भारत में नहीं। लेकिन गांधी किसके, आज हमारा विषय यही है कि किसके गांधी। लेकिन हम ये कहेंगे कि सबके गांधी, क्योंकि गांधी ने किसी एक की बात नहीं की, गांधी ने सभी की बात की है। गांधी ने हर वर्ग की बात की है, गांधी ने हर धर्म की बात की है, गांधी ने समन्वय की बात की है, गांधी ने समरसता की बात की है, गांधी ने तमाम सारी चीज़ें सिखाई है जिस रास्ते पर हम और आप सभी चल रहे हैं। लेकिन कई जगह ऐसे रास्ते आते हैं जब लोगों को भटकते भी देखा है। पर अब राजनीति में भी गांधी है। हमने देखा जब सरकार बदली है तो मोदी गांधी के पद चिन्हों पर चले और हमेशा उन्होंने गांधी की बात की, लेकिन पहले सवाल भी खड़े होते रहे उसी पार्टी पर। आज देख रहे हैं कि छत्तीसगढ़ में एक विशेष सत्र, अलग से सत्र बुलाया गया जिसको पर सिर्फ गांधी जी को लेकर चर्चा होना है, दिन भर चलेगा। अच्छी बातें हैं, वो तमाम सारे विधायक जनप्रतिनिधि होते हैं जो वहां पहुंचे होंगे, जनता की बातों को रखते होंगे, लेकिन यदि गांधी को वो सिरोधार्य कर पाए, गांधी की बातों को समझ पाए, तो हमें लगता है जनता का वो सपना भी पूरा होगा जिसका उन्होंने सपना देखा है। इसी तरह मध्य प्रदेश में आज मुख्यमंत्री कमलनाथ जी भी पहुंचे हैं। मैं हूं गांधी नाम से एक कार्यक्रम भी हुआ, उसमें भी उन्होंने गांधी के पद चिन्हों पर चलने की बात की। और अलग अलग तरीके से हम देखें, देश स्वच्छता की तरफ बढ़ा है। देश में आज से एक नया कार्यक्रम शुरू हुआ है, पॉलीथिन, यानी जो पॉलीथिन हम सब के लिए, जलवायु के लिए मुसीबत बन गई है, उससे पार पाना है, उसको लेकर एक अभियान छेड़ा गया है। कांग्रेस एक अलग संकल्प की तरफ चल रही है। कुल मिलाकर ये कहा जा सकता है कि सवाल ये जरूर है हमारा, किसके गांधी, लेकिन अंततः हम यही कहेंगे कि सबके गांधी। मेरे पास रमेश शर्मा जी मेरे साथ जुड़ रहे हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं। गांधी के ऊपर आपके लेख, आपकी तमाम सारी चीज़ें फेसबुक और बाकी अन्य जो सोशल मीडिया है उस पर पढ़ते रहे, अखबारों में पढ़ा है, और उसके साथ ही कुछ और भी मेहमान मेरे साथ जुड़ेंगे, मैं उनसे भी परिचय कराऊंगा। लेकिन गांधी को बहुत अच्छे से रमेश शर्मा जी ने समझा है, हम सब तो बहुत जूनियर हैं। रमेश जी क्या कहेंगे, आज गांधी जयंती मना रहे हैं, 150वीं तिथि है, और गांधी के साथ बड़ी बात यह है कि मध्य प्रदेश से भी दो यादें जुड़ी है, एक जबलपुर की, एक भोपाल की। आपने लिखा भी है, हमने भी उसको पढ़ा है,
लेकिन जिक्र जब होता है तो दोनों तरह की चीजों में जिक्र होता है मध्य प्रदेश का। जी क्या कहें? तो निश्चित रूप से ये बात आपने सही कही कि गांधी जी सबके गांधी जी हैं, वो राजनीति और राजनीतिक दलों से बहुत ऊपर हैं। वो वाकई शताब्दी के, मैं उनको शताब्दी पुरुष ही कहूँगा, ऐसा विचारक, ऐसा चिंतक, और ख़ासतौर से ऐसे व्यक्ति जो व्यक्ति अगर सोच रहे हैं, जो व्यक्ति अगर दूसरे को कह रहे हैं उसको अपने आचरण और जीवन में ढालने का अभ्यास करना, ऐसे गांधी जी का व्यक्तित्व रहा है। और मैं समझता हूँ उनकी ख़ासतौर से दो पुस्तकें, एक तो सत्य के मेरे प्रयोग और दूसरा ग्राम स्वराज्य, ये दोनों चीज़ें न केवल पढ़ने की हैं बल्कि कोर्स में डालने की भी हैं और जीवन में ढालने की भी हैं। देश के विकास का अगर ढांचा हो सकता है तो उन गांधी जी का जो ग्राम स्वराज था, और विशेषकर उन्होंने गाँव को और गाँव वालों को अपने पैर पर खड़े होने की जो कल्पना की थी, और केवल कल्पना ही नहीं की थी, उन्होंने केवल उस पर लेख ही नहीं लिखे थे, हरिजन और यंग इंडिया में उनके लेख आए हैं, तो केवल लेख ही नहीं लिखे थे बल्कि उन्होंने एक व्यवहारिक दर्शन भी दिया था। आपने बहुत अच्छी दो बातें बताई मध्य प्रदेश से जुड़ी हुई बातें। गांधी जी की कम से कम 10 यात्राएं तो हुई थी यहाँ पर, वो हरदा जैसी छोटी जगह पर गए हैं, रहली पर गए हैं, जबलपुर आए हैं, भोपाल आए हैं, इंदौर आए हैं, और बहुत सारी जगह इटारसी आए हैं, और बहुत जगहों पर गांधी जी आए हैं। गांधी जी जहाँ भी कहीं ठहरते थे, और चूंकि स्वाभाविक रूप से उस समय ऐसा था कि संपन्न लोग उनको अब ठहराने की कोशिश करते थे, व्यवस्था करते थे कि कोई सोने की प्लेट में उनको खाना देता था, कोई चांदी की प्लेट में खाना देता था, तो गांधी जी एक कंडीशन रखते थे कि ये प्लेट मैं ले लूँगा। तो वो प्लेट लेकर के घर नहीं जाते थे जी। उस प्लेट की वो सार्वजनिक नीलामी करते थे, चांदी की प्लेट है, सोने की प्लेट है, किसी ने उनको छड़ी भेंट की है, किसी ने और कोई चीज़ भेंट की है, ये नीलामी करते थे, और जो पैसा आता था उसको देश की आज़ादी की लड़ाई के लिए उस काम में वो लगाया करते थे। भोपाल से उनका एक बहुत स्मरणीय किस्सा जुड़ा हुआ है जो बहुत सारी किताबों में मौजूद है। जब गांधी जी भोपाल दो बार आए, पहली बार जब आए तो भोपाल नवाब ने उनका अगवानी की, और भोपाल नवाब ने उनकी ट्राली खींची उनकी, यानी कोई शासक उनकी ट्राली खींचे, ये एक पहला उदाहरण यहाँ पर गांधी जी का मिला था। इसके बाद यहाँ पर एक ईश निंदा कानून हुआ करता था भोपाल का। ईश निंदा कानून के तहत कोई भी किसी की शिकायत कर दे, जैसे आजकल वो SC ST एक्ट की शिकायत हो जाती है, महिला की शिकायत हो जाती है, सही गलत तो बाद में देखा जाता है लेकिन सबसे पहले गिरफ्तारी हो जाती है, इसी तरह की उस समय भी गिरफ्तारी का प्रावधान था। तो गांधी जी ने, मैं समझता हूँ शायद 1929 या 1930 के आसपास की घटना है, गांधी जी ने पत्र लिखा भोपाल नवाब को, और उन्होंने लिखा है कि आपके कानून में मैं हस्तक्षेप नहीं करना चाहता जी, लेकिन कुछ प्रावधान ऐसे हैं जो आजादी की लड़ाई में एकता को खंडित कर रहे हैं जी, इस पर आप विचार करिए। तो भोपाल नवाब की भी इस मामले में मैं तारीफ करूंगा कि जैसे गांधी जी का पत्र मिला उन्होंने वो ईस्ट निंदा कानून खत्म कर दिया। तो कुल मिलाकर के कोई राज्य, किसी रियासत का राजा गांधी जी के पत्र पर अपना कानून बदल दे, ये उदाहरण गांधी जी के जीवन में भोपाल का पहला। आगे चलकर कुछ और उदाहरण भी मिले हैं जी, लेकिन पहला उदाहरण भोपाल का। चलिए मैं आपके पास लौटूंगा और आपसे बाकी जो उदाहरण है उन पर भी चर्चा करूंगा। नितिन मेरे साथ जुड़ रहे हैं इस वक्त छत्तीसगढ़ से। नितिन आप मुझे सुन पा रहे हैं? नितिन क्या कहेंगे, आज हम देख रहे हैं कि गांधी की 150वीं जयंती पूरे देश भर में मनाई जा रही, बल्कि मैं कहूंगा कि दुनिया भर में उनको याद किया जा रहा है, लेकिन छत्तीसगढ़ में आज एक विशेष सत्र भी बुलाया गया। ये सत्र किस तरह का होगा और जब शुरुआत हुई तो आप वहां मौजूद रहे होंगे, क्या देखा आपने वहां? देखिए विशेष सत्र तो दो दिन के लिए आह्वान हुआ था और आज से शुरू भी हो गया है 11 बजे से। कुल मुख्यमंत्री भूपेश बघेल और तमाम विधायकगण कोसा वस्त्र में उपस्थित हैं, छता एकदम अलग है, हस्तशिल्प से बना हुआ कोसा के वस्त्र तमाम विधायकों ने पहने हुए हैं, विधायक समेत तमाम अधिकारियों ने भी पहने हुए हैं। इसके साथ साथ जब माननीय विधानसभा अध्यक्ष चरणदास महंत के उद्बोधन के बाद जब भूपेश बघेल, मुख्यमंत्री भूपेश बघेल अपना वक्तव्य देने खड़े हुए, उसके बाद उन्होंने अपने 3-4 उदाहरणों सहित पूर्व महापुरुषों बुद्ध महावीर ने जो अहिंसा का संदेश लेके आए थे जी, वो उस समय की बात कर रहे थे जब अहिंसा चरण पर जी, तब उन्होंने इसका एग्जाम्पल दिया, लेकिन उन्होंने कहा कि वास्तविक जगत में जब गांधी अहिंसा का संदेश लेके आए तो वह युग पुरुष के रूप में आए। साथ ही साथ उन्होंने गांधी के तमाम गुणों को युग पुरुषों के साथ जोड़ते हुए एक ताना वापस से विपक्ष की ओर देते हुए कहा कि कुछ लोग जो गांधी गोड़से की हत्या के जिम्मेदार हैं, जब गांधी उनका ये कहना है कि लोग ये कहते हैं कि हिंदुस्तान के विभाजन के समय उसके कारण गोडसे ने उनकी हत्या की थी, सदन से मुख्यमंत्री ने स्वयं ये उद्बोधन दिया
कि जब गोडसे ने उनकी हत्या की थी तब ये बोला जा रहा था कि हिंदुस्तान पाकिस्तान के विभाजन के कारण गांधी जी की हत्या हुई थी, लेकिन इतिहास जानता है कि उनके हत्या के प्रयास उसके पूर्व भी हुए थे। उन्होंने कहा कि वर्तमान में जब कुछ लोग राष्ट्रवाद के नाम पर देश को छलने का प्रयास कर रहे हैं या किसी किस तरह का राष्ट्रवाद फैला रहे हैं, ये गांधी का राष्ट्रवाद नजर नहीं। मतलब नितिन गांधी के नितिन नितिन मेरा आज हमारा विषय भी यही है कि किसके गांधी। हालांकि हमने ये कहा था कि सबके गांधी, पर आपने जो बातें कही है वो शायद उस तरफ इशारा कर रहे हैं कि कहीं ना कहीं अब इस पर भी एक बहस है कि गांधी किसके हैं। एक तरफ विपक्ष कहता है कुछ, दूसरी तरफ कांग्रेस कुछ कहती है, तो आज ये चीजें भी सब देखने को मिल रही। गांधी तो कहते थे कि सब कुछ भूल जाइए और देश की बात करिए, उन गरीबों की बात करिए, उन शोषितों की बात करिए, जिनको जो पिछड़े हुए हैं, जिनके बारे में किसी ने नहीं सोचा। और गांधी की यात्रा को यदि हम समझते हैं तो गांधी यही कहते थे कि कोई विवाद की वजह नहीं है, सारे विवादों को छोड़िए और धैर्य को रखिए। जी निश्चित तौर पर संदेश तो जो इस सत्र के सदन के सत्र की शुरुआत थी वो वही देने की कोशिश कर रहे थे। शुरुआत में भी वही सब बातें हुई थी जब मुख्यमंत्री भूपेश बघेल का उद्बोधन हुआ था, उसके बाद अभी नेता प्रतिपक्ष का उद्बोधन चल रहा है धर्मलाल कौशिक का। लेकिन कहीं ना कहीं पूरे उद्बोधन में जब गांधी को महापुरुषों से और तमाम उनके जीवंत उदाहरणों के साथ जोड़ के, लेकिन बाद में कहीं ना कहीं कुछ बातों में उद्बोधन निकल के जब मुख्यमंत्री का आया तो ये साफ लोगों से परिचित हुआ कि गांधी की विचारधारा को भले कुछ लोग अपने साथ दिखाना चाह रहे हैं लेकिन नाथूराम गोडसे की भर्त्सना करने से उन लोग पीछे हटते हैं जो गांधी के हत्यारे हैं। कहीं ना कहीं ये भी दो विभाजन में दिख रहा है, खासकर कि इस मौके पर कि गांधी जी की 150वीं जयंती में ये सदन का विशेष सत्र बुलाया गया है और सदन के अंदर इस तरह की बात उठना कहीं ना कहीं गांधी को अपनी तरफ जोड़ने की ओर इशारा करता है, जिसके कि गांधी खुद विचारक नहीं थे, वो सबको सद्भाव संभव विचारधारा के साथ साथ लेने का चलने का संदेश लेकर हिंदुस्तान में आगे बढ़े थे। बिल्कुल और आज इस राजनीति से कहीं ना कहीं गांधी उठकर इन तमाम दलगत राजनीति से उठकर कहीं ना कहीं एक विश्व पुरुष के रूप में परिलक्षित होते हैं। मुझे नहीं लगता कि गांधी सब इन राजनीतिक दलों के बीच बचकर रह जाए। बिल्कुल ठीक कहा नितिन आपने और यही आज हमारा विषय भी है। आप बने रहिएगा हमारे साथ और आपके साथ यदि कोई मेहमान जोड़े तो जरूर परिचय कराइएगा हमसे और हम उनसे भी चाहेंगे कि उनसे अपनी बात करें। रमेश शर्मा जी, गांधी की बात कर रहे हैं, आपने कहा कि मध्य प्रदेश पर जब हम आते हैं, लेकिन आज सवाल ये खड़ा हो रहा कि गांधी किसके। हम देख रहे हैं कि एक तरफ मोदी जी ने भी बड़ा कार्यक्रम किया और लगातार वो गांधी की बातें करते रहे, दूसरी तरफ हम ये देख रहे हैं जैसा बता रहे थे, नितिन भी बता रहे थे कि वहाँ बहस इस बात पर हो गई वही गोडसे वही गांधी। तो क्या ये बात सच है कि जो इतिहास में दर्ज है उसको मिटाया भी नहीं जा सकता, चर्चा तो होगी, लेकिन क्या ऐसे दिन इन सब चीज़ों की चर्चा होना चाहिए या गांधी के पद चिन्हों पर चलने के लिए जो सदन बुलाया गया उसकी बात होना चाहिए। देखिए मोटे तौर पर मेरी राय में, ये मेरी निजी राय है, ऐसे मौके पर इस तरह की कोई चर्चा नहीं होनी चाहिए कि गांधी को बांटने की कोशिश बिल्कुल नहीं करना चाहिए। उसका कारण ये है कि गांधी बेबाक अपनी बात करते थे, गांधी जी के कितने सिद्धांत हैं जो दूसरे राजनीतिक दलों ने अपनाए हुए हैं और गांधी के कितने सिद्धांत हैं जो कांग्रेस ने अपनाए हुए हैं। मैं उदाहरण देना चाहता हूँ, जब उनको उनके ही जीवन काल में ये लगा कि कांग्रेस उनके हिसाब से थोड़ा सा दाएं बाएं हो रही है, उन्होंने कांग्रेस से त्याग पत्र दे दिया था। आपको कल्पना है यंग इंडिया में 1938 या 40 के आसपास गांधी जी ने लेख लिखे जो इसमें कांग्रेस की बुराइयों के लेख थे, लेकिन फिर गोंडसे को भी उन्होंने भटका हुआ नौजवान करके माफ कर दिया था। इतिहास को नहीं बदला जा सकता, इतिहास का सत्य है अपनी जगह के, हाँ उनको गोली मारी गई, लेकिन मैं समझता हूँ आज जो है इन सारी चीजों पर हम चर्चा बिल्कुल ना करें, क्योंकि गांधी को दलगत राजनीति में बिल्कुल नहीं बांधा जा सकता, गांधी को धर्म में नहीं बांधा जा सकता, गांधी को किसी देश में नहीं बांधा जा सकता। आपको कल्पना है आज पूरी दुनिया गांधी जी के जन्म दिवस को अहिंसा दिवस के रूप में पूरी दुनिया मना रही है और ये फैसला यूएनओ ने 2007 में लिया हुआ था। तो कुल मिलाकर के गांधी देश की सीमा से उठकर है, गांधी राजनीतिक सीमा से उठकर है। मुझे एक बताइए, आज ठीक है कि भारतीय जनता पार्टी रामराज की बात करती है, रामराज की कल्पना तो खुद गांधी जी ने की थी। भारतीय जनता पार्टी ये नारा लगाती है सामाजिक समरसता, तो गांधी जी ने सामाजिक समरसता की बात की थी, वो तो हरिजन बस्ती में जाकर के रहे थे और उन्होंने खुद हरिजन बस्ती में जाकर के झाड़ूएं लगाई हुई है, तो वो अपना हाथ अपनी सारी शरीर की और सारी सफाई गांधी जी खुद करते थे। गांधी जी धर्मों से बहुत ऊपर है, वो उनका मानना था कि सबसे बड़ा धर्म जो है वो मानवता का धर्म है।
ये जो धर्म है आज जो हम दुनिया में देख रहे हैं, ये सारे धर्म इंसान के बनाए हुए हैं, लेकिन इंसान जिसने बनाया है वो सिद्धांत क्या है? वो सिद्धांत है कि संसार के पूरे लोगों में एक एक भाव को दर्शन करना, एक ईश्वर को दर्शन करना संसार के सारे लोगों में। मुझे एक बात बताइए, आज जितने धर्म दुनिया में है उसको हम सनातन धर्म कह सकते हैं, उसको इस्लाम कह सकते हैं, उसको ईसाई कह सकते हैं, उसको यहूदी कह सकते हैं, और जैन बौद्ध लंबी लाइन लगा लें, ये सारे के सारे दुनिया में बने धर्म है, ये सारे भगवान जी के यहाँ बने धर्म नहीं है। गांधी जी का जो दर्शन था वो दर्शन था जो ऊपर से उतर करके आया, जो ईश्वर ने बनाया हुआ जी। तो कुल मिलाकर के गांधी उस पर बात करते थे, वो सामाजिक समरसता, न सामाजिक समरसता अकेली देश भर में सामाजिक समरसता नहीं, पूरे संसार के मनुष्य सद्भाव के साथ रहें, इसीलिए उनको उन्होंने कहा था मेरा बस चले तो मैं संसार में सारे युद्ध समाप्त करा दूं। और युद्ध उन्होंने देश की सीमाओं में समाप्त कराने की बात नहीं कही थी, व्यक्ति व्यक्ति के भीतर जो लड़ाइयां होती बहुत बड़ी बात जी, सब कुछ चीजें उन्होंने समाप्त, लेकिन व्यक्ति और व्यक्ति की लड़ाई लगातार जारी है। आज भी जब गांधी जयंती का मौका है तो चर्चा बात को लेकर हो रही है कि गांधी किसके हैं। हाँ। धर्मेंद्र भदौरिया जी मेरे साथ जुड़ गए। धर्मेंद्र जी, सवाल आज हमारा विषय भी यही है कि गांधी किसके गांधी हैं। और आप देखिएगा कि जब बात जैसा रमेश शर्मा साहब बता रहे हैं कि किस तरह गांधी ने कहा, गांधी ने एक दूसरे को जोड़ने की बात कही, गांधी ने कभी दूर होने की बात नहीं कही, लेकिन फिर वही होता है कि गांधी को लेकर एक तरफ आप कार्यक्रम करते हैं, दूसरी तरफ तमाम तरह के सवाल सामने आ जाते हैं। तो क्या आपको लग रहा है, और आज हम देख रहे हैं कि एक बड़े अखबार जिससे आप भी ताल्लुकात रखते हैं, हम देख रहे हैं कि आरएसएस प्रमुख जो है उन्होंने भी गांधी को लेकर कहा, तो क्या ये सब चीज़ें आज सवाल उस पर भी है, क्या माना जाए गांधी है किसके गांधी? मैं तो ये कहूँगा गांधी सबके। मनोज जी, मुझे जो लगता है कि गांधी जी का इतना विराट व्यक्तित्व है उसके बारे में कुछ भी कहने के लिए मैं बहुत ही छोटा शायद अपात्र व्यक्ति, लेकिन जितना पढ़ा और जितना सुना गांधी जी के बारे में और जितना पढ़ पाया मैं, उस नाते में ये कह सकता हूँ कि गांधी जी, जैसा आपने कहा कि गांधी जी सबके हैं, और वास्तव में गांधी जी सबके हैं जी। कांग्रेस की स्थापना तो पहले हो चुकी थी, लेकिन कांग्रेस को जो मूल रूप दिया, मूल स्वरूप दिया, वो गांधी जी ने दिया। भारतीय जनता पार्टी जिसका गठन हुआ उसकी प्रस्तावना में गांधीवाद समाजवाद की बात है, गांधीवादी समाजवाद की बात है, प्रस्तावना में है जब भारतीय जनता पार्टी का गठन हुआ उस समय से जी। तो भारतीय जनता पार्टी लगातार ही मुझे लगता है कि गांधी जी के दर्शन को मानती रही है और गांधी जी के दर्शन को के अनुसार चलने का प्रयास भी करती है। रही बात संघ की, तो संघ के बारे में जरूर ये भ्रांतियां हैं कि गांधी जी को वो नहीं मानते हैं या को वो करते हैं मैंने उनका अनुसांगिक संगठन, लेकिन आज जिस तरीके से मोहन भागवत जी ने जो लिखा है मुझे लगता है कि अब इस पूरी चर्चा का पटाक्षेप हो जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि संघ शाखा में 1966 से गांधी जी का नाम प्रार्थना में लेते हैं, जिन महापुरुषों का नाम लिया जाता है उनमें गांधी जी का नाम शामिल है, और संघ ऐसा करता रहा है अपनी शाखाओं के माध्यम से। मुझे लगता है कि गांधी जी सबके हैं, ये बिल्कुल सही बात है। भारत सरकार अभी स्वच्छता अभियान चला रही है, उसमें गांधी जी को लिया हुआ है जी। मुझे लगता है कि गांधी जी का जो एक सपना था जो अभी अधूरा है वो है गांव के स्वावलंबन का जी। गांव पहले तो व्यक्ति का स्वावलंबन हो फिर गांव का स्वावलंबन हो, ठीक बात। तो वो अभी जो ग्रामीण अर्थव्यवस्था है या ग्रामीण क्षेत्र हैं वो अभी स्वावलंबी नहीं बन पाए हैं। अगर गांधी जी को हम और आप दोनों ही या समाज गांधी जी को सभी मानते हैं, तो गांधी जी को मानने की दिशा में मुझे लगता है एक कदम हमको ये बढ़ाना चाहिए कि हम खुद स्वावलंबी हों। सबसे पहले सत्य जो भी कुछ करें वो सबसे पहले खुद से अमल में लाकर फिर उसके बाद उसको आगे बढ़ाएं, और दूसरी बात गांव को ज्यादा से ज्यादा स्वावलंबी बनाएं जिससे कि हमारे देश की अर्थव्यवस्था भी अच्छी हो और हम सब भी खुशहाल रहें। गांधी ये भी कहते थे, गांधी स्वराज की बात करते थे, गांधी स्वदेशी की बात करते थे, लेकिन हम विदेश की तरफ भाग रहे। आज किसको नहीं पता है कि FDI क्या है? नहीं मनोज जी, अब ये भी है कि अभी जो ग्लोबलाइजेशन है, वैश्वीकरण जो है, ये एक मजबूरी भी है और इसको मानना ही पड़ेगा। भारत ने किन परिस्थितियों में वैश्वीकरण लिबरलाइजेशन को स्वीकार किया हम सब जानते हैं कि उस समय काफी विकट परिस्थितियां थी चंद्रशेखर के प्रधानमंत्री के बाद, और जिस तरीके से मनमोहन सिंह ने किया तो वो फौरी जरूरत थी और उसके हम सुखद परिणाम भी देख रहे हैं। लेकिन हमें खुद स्वावलंबी बनना चाहिए। जिस चीन की बात हम करते हैं कि चीन सबसे ज्यादा उत्पादन कर रहा है, लेकिन चीन खुद स्वावलंबी है और वो दूसरों को डिलीवर कर रहा है। ये बड़ी है, तो जब वैश्विक कुटुंबकम की बात है तो
तो उसमें फिर ग्लोबलाइजेशन से हम पीछे नहीं हट सकते हैं, लेकिन हमें खुद स्वावलंबी होना चाहिए, होना पड़ेगा, बनना ही चाहिए। मतलब हमें दो रास्ते पे चलना पड़ेगा, उसको तो समझना, मतलब जिसकी आप बात कर रहे हैं कि उस तरफ तो जाना ही पड़ेगा, लेकिन गांधी को हम ना भूलें, गांधी को सिर्फ याद करें। 150वीं जयंती आई, गांधी के नाम पर तमाम तरह के कार्यक्रम हो गए और भूल गए। मैं वापस चलूंगा नितिन के पास, फिर रमेश शर्मा जी के पास। नितिन, अभी बात चल रही कि गांधी गांव की बात करते थे, और हमने देखा है कि यदि ये कई बार इस बात को लेकर चर्चा हुई है कि यदि गांव का विकास हो जाए, गांव की आर्थिक स्थितियां ठीक हो जाए, तो हमें लगता है देश की आर्थिक स्थितियां बदल जाएंगी। लेकिन गांव से लोगों ने पलायन किया, लोग शहरों की तरफ आ गए, तो इस तरह की बातें भी आज कहीं वहां छत्तीसगढ़ के जो सदन है उसमें हुई है, कुछ इस तरह की कुछ नई चीजें लेकर सरकार आ रही है जिससे कि जो गांधी का सपना है वो पूरा होता नजर आएगा। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने किया कि गांधी जो गांव का विकास चाहते थे, ग्रामीण परिवेश का, कि जब गांव बढ़ेगा तब देश तरक्की करेगा और देश उसी के साथ गांव परिवेश के साथ ही बढ़ सकता है, उसको लेकर जब चर्चा कर रहे थे तो उन्होंने ये उदाहरण भी दिया और उन्हीं के पद चिन्हों पे चलने का सरकार छत्तीसगढ़ की राज्य सरकार का ये बोला कि नरवा गरवा घुरवा बाड़ी को लेकर जो सरकार चल रही है, और आज खास करके उन्होंने ग्रामीण परिवेश से संबंधित कुछ योजनाओं का भी संचार किया है, जैसे मुख्यमंत्री कुपोषण योजना या फिर हाट बाजार क्लिनिक योजना और इसी तरह शहरी स्लम क्लिनिक योजना की बात करें अगर, तो उन्होंने भी इस बात को उदाहरण दिया। और साथ ही साथ उन्होंने एक बात को और कहा, गांधी जी ने खुद एक पुस्तक में लिखा था पहले कि मैं पहले ईश्वर में विश्वास रखता था, लेकिन उसके बाद उन्होंने ये किया, कहा कि मैं सत्य में विश्वास रखता हूँ, क्योंकि जहाँ सत्य है मुझे ये मानना है कि वही ईश्वर है। तो निश्चित तौर पे आज के परिवेश में भी, चाहे वो राजनीतिक दल हो या आम इंसान हो, या सबको भी ये समझने की जरूरत है कि जो सच है, इतिहास अपने आप में कुछ भी कहता हो कि गोरखे ने गांधी की हत्या करी या किसी विचारधारा ने गांधी की हत्या करी, लेकिन वास्तविकता में जो सच है कि आज तमाम दल, तमाम लोग, आम जनता या कोई भी व्यक्ति अगर गांधी की विचारधारा को अपनाना चाहता है तो उसका सहर्ष सहदिल से स्वागत करना चाहिए, जो कि गांधी जी ने कहा था, क्योंकि ये भी आज में वर्तमान में ये सत्य है, भले इतिहास के पन्ने कुछ भी कहते। चलिए नितिन, ठीक है, आप बने रहिएगा। रमेश शर्मा जी, हम बात वही गांधी की बात कर रहे हैं, बात स्वदेशी की होती है, लेकिन हम दूसरी तरफ अब देख रहे हैं कि हालांकि वैश्वीकरण की जब बात होती है इन तमाम सारी चीज़ों की जरूरत होगी, जैसा धर्मेंद्र जी भी कह रहे हैं, लेकिन क्या आपको लग रहा है कि जो स्वदेशी की बात होती है, ग्रामीण क्षेत्रों की जिस तरह की स्थितियाँ हम देख रहे हैं, खूब विकास हुआ, विकास के नाम पर सरपट गाड़ियाँ दौड़ने लगी, बाकी सारी चीज़ें हो गई, लेकिन कई ऐसे गाँव हैं जो आज भी गांधी के सपनों से बहुत दूर हैं। देखिए, स्वाभाविक रूप से गांधी जी का जो ग्राम स्वराज का दर्शन था और उनका जो वैश्विक दर्शन था, उसमें कहीं भी मतभेद या टकराहट जैसी स्थिति नहीं है। गांधी जी का कहना था कि ग्राम जो है वो स्वराज तो बने, और गांव जो स्वराज, ऐसा कैसा स्वराज बनाना चाहते थे, वो ऐसा स्वराज बनाना चाहते थे कि गाँव का शासन गाँव के हाथ में हो, वो अपनी ज़रूरतें खुद पूरी करें, अपने कुटीर उद्योग खोलें, अपने लघु उद्योग खोलें, अपने अपने पूरी शासन की व्यवस्था, वो तो न्याय पंचायत तक कि उनकी कल्पना थी कि गांव में अगर कोई स्थानीय विवाद होते हैं तो गांव की अपनी न्याय पंचायत रहे और वो उसको सुधार ले, और गांव कैसे आत्मनिर्भर बने, इसके लिए उन्होंने पशुपालन पर जोर दिया था, इसके लिए चरखा पर जोर दिया था, इसके लिए वस्त्र निर्माण पर जोर दिया था, टेक्नोलॉजी की उनकी जो बातचीत थी, टेक्नोलॉजी और तकनीकी, और उसमें हमारा जो स्वावलंबन था वो संयुक्तकरण उसके अंदर चाहते थे, दोनों के अंदर। गांधी जी बिल्कुल ऐसा नहीं चाहते थे कि हम पूरी दुनिया से कट जाएं और हम अपने, लेकिन रमेश शर्मा जी, एक चीज तो हुई है कि कैसे भी कहें आज हम सब गांधी को याद तो कर रहे हैं, देखिए जहां चीजें होती हैं वहां विरोध भी होगा, पक्ष विपक्ष सब आता है, लेकिन कहीं ना कहीं अब कम से कम देश भर में या दुनिया भर में ये देखने को मिल रहा है कि आखिरकार लोगों ने गांधी को समझा तो है। निश्चित रूप से ये बात सही है, लेकिन गांधी को समझना और उनके आयोजन करना उससे ज्यादा महत्वपूर्ण चीज है कि गांधी को जीवन में अपनाना। गांधी का दर्शन व्यक्तिगत दर्शन भी है, बहुत अच्छी बात भदौरिया जी ने कही, व्यक्ति निर्माण, गांधी का दर्शन में एक व्यक्ति कैसे स्वावलंबी बने, आप जब तक विचार से स्वावलंबी नहीं बनेंगे, शरीर से स्वावलंबी नहीं बनेंगे, आर्थिक दृष्टि से स्वावलंबी नहीं बनेंगे, परिवार को स्वावलंबी आप बना नहीं सकते, और जब तक परिवार स्वावलंबी नहीं होगा समाज स्वावलंबी नहीं होगा, और जब तक समाज स्वावलंबी नहीं होगा तब तक राष्ट्र स्वावलंबी कैसे होगा। बिल्कुल ठीक है, अब समय मुझे इजाजत नहीं दे रहा है, धर्मेंद्र जी एक छोटी सी प्रतिक्रिया आपसे लूंगा कि आज गांधी सबके नजर आ रहे हैं, क्या कहेंगे चलते चलते, और क्या आपको लग रहा है कि देर से सही लेकिन गांधी को सब मान तो रहे। मनोज जी, मुझे लगता है कि जो भी महापुरुष होते हैं वो सबके ही होते हैं,
जब वो होते हैं तब एक विचार होता है, एक विचारधारा होती है, तो उस समय कुछ लोग उनके पक्ष में होते हैं, कुछ लोग विपक्ष में होते हैं, लेकिन जब वो नहीं होते हैं तो महापुरुष हम सबके हैं, चाहे गांधी जी हों, चाहे गौतम बुद्ध जी हों, चाहे महावीर जी हों, जो भी हैं सबके हैं, और सबको उनकी अच्छी बातें जो जिसको जिस प्रकार भी उसको ग्रहण करना है उसको ग्रहण करना चाहिए। बिल्कुल आपने ठीक कहा, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। रमेश शर्मा जी मेरे साथ जुड़े, धर्मेंद्र भदौरिया जी मेरे साथ जुड़े, और साथ ही मेरे सहयोगी स्टेट हेड नितिन मेरे साथ जुड़े छत्तीसगढ़ से, आपका भी नितिन बहुत बहुत धन्यवाद। लेकिन ये सच है कि आज देश भर में, दुनिया भर में गांधी को याद किया जा रहा है, लेकिन गांधी सपनों का स्वराज देखना चाहते थे। गांधी सपनों को तो सजाते थे, लेकिन हर व्यक्ति की कहीं ना कहीं उम्मीदें होती थी, हर गरीब, हर पिछड़ा, दलित, तमाम सारे लोगों को लेकर चलते थे। लेकिन हम कार्यक्रम कर रहे हैं ये अच्छी बात है, गांधी को याद कर रहे हैं ये भी अच्छी बात है, लेकिन गांधी ने जो बातें कही है वो आप हम सभी यदि सुधार कर लें, कुछ चीज़ें अपने आप में उतार लें, तो हमें लगता है गांधी की जयंती पर इससे बड़ा पुण्य स्मरण कुछ नहीं होगा। और हमें लगता है कि धीरे धीरे कर लोग गांधी की तरफ बढ़ रहे हैं कि गांधी ने अहिंसा का पाठ पढ़ाया था। आज इतना ही, मुझे दीजिए इजाज़त, नमस्कार।